इसी मकान में दोनों लड़के रहते हैं। अच्छा, इस घर में रहते हैं? हाँ, इसमें रहते हैं। और दोनों भाई बहुत अमीर हैं। हाँ हाँ, बहुत अमीर है। और मैं बोलूँगी तो काम दे देंगे आपको। दिन में दोनों भाई बिजी रहते हैं, बहुत बड़ा काम है ना वो लोग के। अच्छा, बस आंटी आप मेरी नौकरी पक्की करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, वो रख लेंगे, अच्छा तनख्वाह भी देंगे आपके। चलो मैं ले कर चल रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, पैसे वाला है। अच्छा, चलिए यही है मकान। अच्छा, तनख्वाह भी अच्छा देंगे। अच्छा, बहुत बड़े लोग हैं। आ जा, एक नौकर है, खाली सफाई करता है, लेकिन किसी तरह जाके दोनों भाई के खाना बनाना है, अच्छा से उनको दिखना है। कहाँ है, दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो दोनों भाई? यार कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी हमारी? साला इतना धन दौलत शोहरत होते हुए भी हमारे पास अच्छे खाने बनाने वाला साला कोई नहीं। हाँ भाई, कब तक इतना बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा? यार ये तो पागल कर दिया है साला, इसकी समझा समझा के थक गए, लेकिन फिर भी वही काम करता है। चाय में नमक डाल देता है और सब्जी में चीनी डाल देता है। घन चक्कर है, घन चक्कर। इतना दिन हो गया इसको काम करते हुए, लेकिन मतलब कुछ भी अक्ल नहीं हुआ इसको, ना खाना बनाने में, बात करने में। इसकी जगह कोई काम वाली रख लेते यार, जुगाड़ लगाओ ना, कहीं से मिल जाती है तो रख लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे वो हमारी मौसी थी ना। अच्छा हाँ हाँ, मौसी। हाँ, मैंने उनको बोला था। बोले हो? हाँ। अच्छा, तो देखो 3-4 दिन तो हो चुके हैं बोले हुए, अब देखो कब तक लेकर आती है मौसी। एक बार ना होता है तो फोन करके देखो ना। रामू सामू। अरे ये तो मौसी की आवाज़ है ना, मुझे भी यही लगता है। देखो तो क्या बात है। आप ही को याद कर रहे थे, खुश नजर आ रहे बेटा। अच्छा, एक काम वाली के लेके आई हूँ। अच्छा, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। अच्छा 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 अच्छा, बैठिए ना मौसी, खड़े हैं आप तो। अच्छा काम जानती हूँ, बैठो। दोनों भाई के परेशानी है, अभी बना उना देगी खाना उना। खाना अच्छा बना लेती? हाँ, बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तब तो ठीक है, बढ़िया है। हमें भी आवश्यकता थी कि कम से कम खाना बनाने वाली मिल जाती। इनका फोन गया था, कह रहे थे कि मौसी एक लड़की देख लीजिए, दोनों भाई के बहुत परेशानी हो रहा है खाना के। वो नौकर है, खाली झाड़ू पोंछा लगा देता है, खाना भी टाइम से नहीं बनाता है। हाँ मौसी, ये परेशानी तो है, इसलिए मेरा मन करा कि ये लड़की बहुत अच्छा खाना बना लेती है। सब कुछ बना लेती हो ना? जी ठीक है। अच्छा है। तो मौसी, हाँ बोलो बेटा। सैलरी तनख्वाह पूछ रही है। अरे सैलरी भी मिल जाएगी उसका तो, मतलब टेंशन है ही नहीं। हाँ। पैसे पर आप तो जानती है ना, कभी दिक्कत होता है। मैं बोली थी नहीं, बहुत अमीर है जी, पैसा के चिंता मत करना। हमें सिर्फ खाना बढ़िया बनाने वाली चाहिए जी। ठीक, जो खाना बनाए वो हमारे भाई खाएं और हम खाएं तो उंगलियां चाटते रह जाएं। ठीक कहा ना मौसी? हाँ ठीक है बेटा। तो ठीक है, ठीक है, फाइनल कर दो। अच्छा खाना बनाएगी, टाइम पर पैसा दे देना। हाँ अच्छा बेटा, मैं जाऊँ? हाँ ठीक है मौसी, आप ठीक है मौसी, ध्यान अपना रख। हाँ, अब टाइम पर खाना बना के देना जी मौसी। पूछ ले, तेरा फेवरेट बनाती है कि नहीं? अरे भाई मैं तो जी। किचन कहाँ पे है? इनको किचन दिखा दो ना। हाँ, आगे से लेफ्ट में किचन है, ठीक है। और सुनो, आपका टेस्ट लेते हैं। ठीक है। 2 कप कॉफी बना कर लाओ। ठीक है, अभी बना के। ठीक है। अरे 2 कप नहीं, मैं नहीं पीऊंगा ना। तो ठीक है, आप 1 कप कॉफी बना के लाओ, देखते हैं कैसी बनाते हो।
पी के देख लेना फिर, ठीक है ना? और खाना वाना जब देखेंगे अच्छा बनाएगी हाँ, उसके अनुसार हम पैसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है ना। गोपी कहाँ है? बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ उसे। हाँ। गोपी जी मालिक, आओ जरा, थोड़ा भी काम कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। वैसे भी खाना बनाने वाली तो आ ही गई ना। हाँ गोपी को कुछ और काम दे देते हैं। एक काम करते हैं, गोपी को ना ऑफिस का काम दे देते हैं। हाँ ठीक है ना, झाड़ू पोछा लगा लेगा, ठीक है ना, फाइल्स इधर उधर रख लेगा, ठीक है हाँ। और कपड़े भी अच्छे धोता है गोपी। हाँ कपड़े तो अच्छा धोता है ना, कपड़े हो गए, झाड़ू पोछा हो गया, गाड़ी का साफ सफाई, गाड़ी की सफाई हो गई, ठीक है ना, ये सब काम उसको दे देते हैं। ठीक है, बोला बोला उसे। अरे गोपी कहाँ रह गया? आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, जल्दी आ फटाफट। बस आया, पता ना करता क्या रहता है ये, जल्दी आता भी नहीं। जी मालिक आपने आवाज देखी, बताओ कुछ काम। गोपी हम सोच रहे हैं ना जी मालिक कि तुम्हारा अब छुट्टी कर दे। अरे क्यों मालिक, हमको कोई हमसे कोई गलती हो गई क्या? बहुत ढीला है ये, हम तो मन लगा के काम करते हैं यहाँ पे, कभी छुट्टी भी नहीं लेते हैं हम तो। चाय में चीनी की जगह नमक कौन डालता है? और सब्जी में चीनी क्यों डाल देते हो? वो मालिक ऐसा हुआ ना कि मैंने डिब्बा खोला नमक का, मेरा किसी का फोन आ गया तो चीनी उसमें चीनी का डिब्बे से डाल। यही आदत से तो तुम्हें, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें छुट्टी कर देनी होगी। अब हम फोन नहीं उठाएंगे किसी के खाने के टाइम। पक्का? सॉरी बोलते हैं आपसे। तो काम समझा दो फिर से। हाँ तुम एक काम करो। जी मालिक। तुम आज से ऑफिस का काम संभालोगे। घर में कौन करेगा फिर? अरे भाई झाड़ू पोछे का काम। अच्छा झाड़ू पोछे का। हाँ घर में भी करना है, वहाँ पर भी करना है। घर में भी करना है और वहाँ पर भी करना है, दोनों जगह। ठीक है, सुबह सुबह मेरी गाड़ी साफ करनी, ठीक है, और बाकी का काम मैं बाद में समझाता हूँ। अच्छा सुनो जी मालिक, बताओ। रसोई में काम वाली आई है हाँ। उसको खाना बनाने का सामान जहाँ पर भी पड़ा है वो उसको काम समझा देना। मैं उसको सब कुछ दिखा देता हूँ, क्या क्या सामान कहाँ पर रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं जाऊँ मालिक। हाँ जाओ। चलो भाई जब तक खाना वगैरह पकता है थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना। ठीक है। अच्छा टाइट फील कर रहा हूँ यार, अभी तक कॉफ़ी नहीं लेकर आई। जानते हो अगर वो नौकरानी नहीं होती ना तो मैं उससे शादी कर लेता। भाई तुम अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हो सिर्फ। नहीं ऐसा बात नहीं यार, देखो बचपन से सब चीज़ें हमने एक साथ की हैं। वो तो है, एक साथ कपड़े खरीदे हैं, एक साथ ऑफिस जाते हैं। चलो पहले कॉफ़ी तो टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन देखो मैं सोच के बता देता हूँ तुम्हें, और कोई कोई भी काम शुरुआत तुम ही करते हो। अब शादी का सोच लिया मैंने, सेटिंग तो तुम ही करोगे ना। तो भाई चलो देखते हैं। ठीक है, चाय पियो और सेटिंग करो, मैं सोता हूँ। ठीक है भाई। कॉफ़ी नहीं आई यार अभी तक। अरे भाई थोड़ा खस के ना जा। मालिक आपकी कॉफी। कॉफी पी के बताइए मालिक कैसी है? दिखने में तो अच्छी लग रही है, पी के ही चेक करना पड़ेगा। अरे वाह, तुम कॉफी तो बहुत अच्छी बनाती हो, बैठो ना। और कुछ बताओ अपने बारे में। अच्छा तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। जी मधु, मधु है मेरा नाम। अरे वाह क्या नाम है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ हो? जी, जितना कमाती हूँ उतना सब खाने खर्चे में निकल जाता है, तो बचता वैसे भी कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रही है जिंदगी। तो शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? शादी
वैसे तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं शादी के बारे में, और वैसे भी मैं ठहरी नौकरानी, मुझसे कौन शादी करेगा। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, कौन नहीं करेगा तुमसे शादी। साहब खूबसूरती और जवानी ही सब कुछ थोड़ी होती है, मेरे कोई आगे पीछे तो है नहीं, तो करवाएगा भी कौन मेरी शादी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो भाई। अरे भाई सुनो ना, शादी हो गई क्या। अरे भाई उठो तो सही। अच्छा इसे कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनाई है। तुम ये प्लेट रख कर आओ जल्दी, ठीक है, जल्दी रख कर आना। क्या हुआ, बात तो थोड़ी कुछ भाई, बात तो अभी इतनी नहीं हुई। हाँ लड़की अनाथ है। हाँ हाँ तो मज़ा आ गया यार, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ तो ये आराम से बन जाएगी। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, दोनों भाई 50-50 कर लेते हैं। हाँ है ना, बचपन से 50-50 करते आए हैं। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ठीक है, बुलाएंगे। बुलाओ। मधु जी, मालिक आई। हाँ जी, जी मालिक बैठो बैठो। मालिक अभी हम दोनों भाई तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। मेरी शादी के बारे में? हाँ। थैंक यू साहब। तो हमने ये सोचा है कि तू हम दोनों भाइयों के साथ शादी करोगी। दोनों के साथ? हाँ हम दोनों। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मालिक, दो के साथ शादी। जब महाभारत में 5 लोगों के साथ एक औरत शादी कर सकती है, तो तुम हम दोनों के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती। मालिक वो द्रौपदी थी, मैं वो नहीं हूं, और वो महाभारत है, यहां वैसे जिंदगी नहीं जी सकते। मालिक अब कैसी बातें कर रहे हो। तुम बैठो मेरे पास, मैं समझाता हूं तुम्हें। समझा दो इसे। देखो मधु जी। मालिक हम दोनों भाइयों ने आज तक जो किया साथ किया है, ठीक है, और तुम्हें पैसों की भी कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। इस घर में रानी बनाकर रखेंगे तुम्हें, नौकरानी नहीं, इस घर पर राज करोगी तुम, समझ रही हो ना मेरी बात। जी भाई आप कुछ कहना चाहोगे। मेन बात है ना कि हम लोग बचपन से लेके आज तक कपड़ा भी खरीदते हैं तो एक ही साथ। मालिक उन्होंने ऑफिस और सारा क्लीन कर दिया। एक काम करो, एक कुर्सी लाओ। कुर्सी लें? ठीक। कपड़ा भी एक ही साथ खरीदते हैं, मकान भी एक ही साथ, मतलब हुआ कि ये लिया जाए तो ये लिया, बिजनेस एक ही साथ हुआ, मतलब हम दोनों का एक टारगेट है कि हम जो भी काम करेंगे एक ही साथ करेंगे। तो हम लोग का पहले से ही प्लानिंग था कि शादी करेंगे तो एक ही लड़की से करेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में दो लड़की आएगी तो दरार बन जाएगी ना, एक रहेगी तो मिला के रखेगी। कुर्सी लगा, ये हम लोग का टारगेट, ये थीम है हम लोग का, समझिए ना। कुर्सी बैठो। बैठ मैंने कुछ चाय वगैरह पी लिया। चाय पियोगे क्या? अरे नहीं भाई, जाओ अभी तुम। ठीक। अगर आप दोनों मुझसे मतलब शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप दोनों ही मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। अरे मुंह मीठा नहीं भाई, लड्डू तो हम शादी के दिन भी खा सकते हैं। हाँ बियर मंगाते हैं, पार्टी करते हैं। फ्रिज में देखो बियर हुआ, थोड़ा ला दो फ्रिज में। जी अभी लेके आई। देखा भाई, हाथ दे कर दिया ना काम। ऐसे ही सलक खोज रहे थे हम लोग। आने तो ऐसे नहीं मिलती है, ये तो मान गई। आने तो एक लड़की और दो हस्बैंड कोई मानता है जल्दी? अरे नहीं भाई, सलक किस्मत हम लोग का अच्छा है कि हम लोग बचपन से ही जो काम में हाथ डाल दिया वो हो गया। हो गया ये भी एक बार में मना नहीं की। बिल्कुल भाई। लो भाई अरे बियर। बैठो बैठो बैठो, पियो शुरू करो।
देखो जी, कल कुछ कपड़े खरीदते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ठीक है मालिक। जो तुमको पसंद लगे ना वो ले लेना, और कपड़े अच्छे अच्छे लेना जिसमें तुम एकदम लगे ना कि गुड़िया है। भाई लहंगा लहंगे में बहुत अच्छी लगेगी। समझा समझा। अरे भाई मेरे को भी तो दो ना। पहले कभी लहंगा पहना है तुमने? जी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी मेरी, जितना कमाती थी उतना खा लेती थी, तो लहंगा किधर से लाती? हार हार, ये गले का हार तुम्हें कैसा लगेगा जानती हो? बिल्कुल लगेगी पड़ी है, कंटा पड़ी लगेगी। क्यों बे? हाँ भाई है? तो कल हार खरीदेंगे, ज्वेलरी जो जो चाहिए वो खरीदेंगे। है नहीं भाई, बैंड बजाने बैंड, पैसा बचाओ पैसा। अरे ये क्या किया तुम लोगों के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो लोग खुद ही पी के लेट गए। देखो तुम क्या राम शाम के सामने कर दिए। हमारी प्लान सक्सेसफुल हो गई। एक काम करो, प्रॉपर्टी के कागज क्या है? कितने दिन का लोन? जब निकाल ना साइन है, साइन करवा। दोनों को जरा सा भी झिझक नहीं होने की, अपना काम एकदम सही दिशा में जा रहा है। सही काम किए इतने दिन लोगों की मैंने नौकरी की, बदले में मुझे क्या मिला? मैं आपके बहुत बड़ा अमीर बनते आज ही पैसा देती हूँ, कभी उन्हें पूरी पगार दे दी। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी उनकी आपके साथ में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेंगे? आपको लगता है मर जाएंगे तो सही है, रहेंगे तो फिर पुलिस के हवाले हम लोग कर देंगे। उन्होंने जिंदगी में सारे काम इकट्ठे किए, इकट्ठे मारो, इकट्ठे मारो। इकट्ठे मारो तुम दोनों, इकट्ठे मारो। चलो निकलो। ऐसे बहुत बोलते थे सारे काम एक साथ करते, सारे काम एक साथ करते, ऊपर मर जाओ एक साथ। अब इनकी लाश को ठिकाने लगा, अब ऊपर भी इकट्ठे जाओ। अब इस महल में हम रहेंगे बिल्कुल फैल। हम नहीं, हम तीनों ही, मतलब तीनों लोग हो गया। अब इनकी लाश को ठिकाने लगाओ, उनको निकाल के ठिकाने में डाल देते हैं। पैर उठ जाओ।